नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबरदस्त हंगामे के बीच स्थगित हुई रीवा नगर निगम परिषद की दूसरी बैठक के बाद अब परिषद अध्यक्ष सहित महापौर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं। महापौर ने जहां परिषद अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है, वहीं परिषद अध्यक्ष ने महापौर को देश का पहला भगौड़ा महापौर कहा है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इस राजनीतिक प्रतिद्वंदता के बीच शहर के विकास के मुद्दे धरे के धरे रह गए हैं। हम आपको बता दें, आज नगर निगम परिषद की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष के वाहन सहित शासकीय सुविधाओं को लेकर जमकर हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों दलों के जनप्रतिनिधि बच्चों की तरह लड़ते नजर आए और महज 5 मिनट के अंदर ही महापौर सहित कांग्रेसी पार्षदों ने परिषद की बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल गए, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा ने परिषद अध्यक्ष और भाजपा पार्षदों की मौजूदगी में वाहन को लेकर उठे मुद्दे के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। जानकारी मांगी गई है, हालांकि जानकारी अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है, पर जो भी हमसे जानकारी मांगी गई है, हमारी टीम ने इसकी जानकारी तैयार कर ली है। जैसा कि सभी को स्पष्ट है, नगर निगम में और इलेक्टेड बॉडीज के काफी हाउसेस में काफी चीजें प्रैक्टिस के तौर पर चलती है, काफी चीजें लिखित रूप के रूप में चलती है, काफी चीजों में नियम लिखित रूप से स्पष्ट होता है, काफी चीजों में जो प्रैक्टिस पूर्व से चली आ रही है, पूर्व की प्रैक्टिस का पालन किया जाता है। अब जो वर्तमान में वाहन की स्थिति है, उसमें वाहन की स्थिति में स्पष्ट है, जो लेटर शेयर किया गया था उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि जहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय को वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया है, वहां पे 3,000 रुपए का उस समय पे भुगतान किया जाना है। लेकिन जहाँ वाहन उपलब्ध कराया गया है, उसका क्लियर कंक्लूजन ये है, वहां पे भत्ता नहीं दिया जा रहा। तो इससे ये स्थिति बिल्कुल असमंजस में नहीं पड़ती कि वाहन उपलब्ध नहीं वही परिषद की बैठक निरस्त होने के बाद महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि परिषद अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और है, वह बस चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहले ऐसे परिषद अध्यक्ष हैं जो पूरी तरह से अक्षम हैं और उनके कंट्रोल में परिषद सदस्य नहीं है। ऐसे परिषद अध्यक्ष को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज 4 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन उन बिंदुओं को छोड़कर वह अपने वाहन और शासकीय सुविधाओं को लेकर चर्चा करने लगे, जो परिषद में नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट के अंदर परिषद का बहिष्कार हुआ, क्या ऐसा क्या मुद्दा है? बड़ा दुर्भाग्य है कि 6वीं परिषद की बैठक है, इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बड़े अक्षम है। अध्यक्ष जैसे ही गरिमा बाली, उनके पास कोई भी शक्ति नहीं है। जो अध्यक्ष अपनी वाहन अपने कक्ष को लेकर परिषद के अंदर चर्चा करवा रहा हो, उससे बड़ा अक्षम अध्यक्ष कौन होगा? ये परिषद की स्थगित बैठक है, इसमें सिवाय एजेंडे के चर्चा नहीं हो सकती है। मैं आपको बता दूं, धारा नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 31 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्थगित सम्मेलन में अवशिष्ट कामकाज के अतिरिक्त कोई भी कामकाज नहीं किया जाएगा। इस आशय से स्पष्ट है कि एजेंडा क्रमांक 4 पर चर्चा एवं निर्णय होना चाहिए। सिर्फ 4 एजेंडे, एक पे उस दिन अध्यक्ष के अनुमति से चुनाव हो गया था, उन्होंने लेखा समिति का चुनाव करा लिया, इसके बाद लगातार वो हंगामे के मूड में हैं। असल में उनके साथ बड़ी दिक्कतें हैं, जहां से ये रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष ऑपरेट हो रहे हैं, उनके आकाओं की जमीन गई है खिसक। भारतीय जनता पार्टी रीवा विधानसभा हार रही है, रीवा की 8 सीटें हार रही हैं, अगला लोकसभा हारने की स्थिति में है। तो जो महंगाई और बेरोजगारी का जो एक मुहिम लेकर कांग्रेस चल रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसके कारण ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। पर मैं आपको और आपके माध्यम से रीवा की सम्मानित जनता को बताना चाहता हूँ,
कि विकास कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न इसलिए नहीं होगा कि 5 करोड़ तक का पावर हमारे सम्मानित MIC के मेंबरों को है और किसी भी वार्ड में एक निविदा 60-70 लाख से ऊपर की नहीं निकाली जाती है, इसलिए विकास कार्य सब होते रहेंगे। जो आज महत्वपूर्ण एजेंडा था वो एजेंडा था आपके, जो जिन लोगों ने हमसे मकान ले लिया है लीज पे, उनके लीज रिन्यूअल का था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कि 18-10-2022 को एजेंडा जारी हुआ है, 18-10-2022 को MIC की बैठक हमने 20-9-2022 को की थी, जिसमें हमने मूल निर्धारण जो कि हमारी लागत आती है 1,51,00,000, प्रस्ताव क्रमांक 2 है ये, प्रस्ताव क्रमांक 3 में नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व के रिक्त अचल संपत्ति 100 रूम भवन अधिक चैम्बरों का मूल निर्धारण था, इसकी लागत आती 6,60,00,000, इसका किराया आएगा प्रति माह 1,60,000। प्रस्ताव क्रमांक जो 4 है इसमें हमारे रिन्यूअल का है, लीज नवीनीकरण, जिन लोगों ने नगर निगम के मकान ले रखे हैं, चाहे वो हेंडगवान नगर हो, चाहे नेहरू नगर हो, चाहे शांति विहार कॉलोनी हो, जहां भी है, उनके सम्मानित लोगों के मकान रिन्यूअल का है। आप सोचिए कि 8.5 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू का मामला है और निगम की परिषद को मजाक बना रखा है, ऐसे अध्यक्ष को स्वयं में इस्तीफा दे देना चाहिए जो परिषद चलाने में अक्षम है। वहीं परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कहा कि वर्तमान महापौर देश के पहले ऐसे महापौर होंगे जो परिषद की बैठक को अपने सदस्यों सहित छोड़कर चले गए हैं। निजी स्वार्थ और पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा करना उचित नहीं समझा, वह एक भगौड़े महापौर साबित हुए हैं। हुआ महापौर पार्षद छात्रों के साथ बाइकॉट कर गए, एजेंडे पे बात नहीं हो रही थी उनका कहना है। देखिए, परिषद की जब बैठक आज के लिए बुलाई गई थी, स्थगित बैठक थी, आप लोगों के समाचार माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से 2-4 दिनों से मुझे भी जानकारी मिल रही थी कि अध्यक्ष के वाहन को लेकर के प्रश्न चिन्ह महापौर के MIC के सदस्य द्वारा उठाया गया था। फिर आज के समाचार पत्र दैनिक जागरण से भी मैंने जब सुना कि मेरे कार्यालय में जो मेरा कक्ष है उसको लेकर के सवाल उठाए गए। परिषद बहुत ही अध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है, जब परिषद अध्यक्ष के ऊपर ही आरोप हों तो परिषद अध्यक्ष अच्छे से सदन की कार्यवाही नहीं कर सकता। इसलिए परिषद चालू होने पहले ही मैंने अपनी बातें रखी कि मुझे अगर वाहन दिया गया है तो किस नियम से दिया गया है, पहले भी दिया जाता था, जिसमें 3 बार आज के जो वर्तमान महापौर जी हैं वो यदुनाथ तिवारी जी के साथ भी पार्षद थे, उसके बाद वो रिपुदमन सिंह जी के साथ भी पार्षद थे, उसके बाद वो सतीश सोनी जी के पास साथ भी पार्षद थे। 1999 में पहली जब परिषद यदुनाथ तिवारी जी स्पीकर बने थे, 2000 में वो उनके लिए एक वाहन खरीदा गया था और अध्यक्ष के लिए नोटशीट चलाई गई थी, तब इन ये कहाँ थे। आज वर्तमान महापौर जी उस समय पार्षद थे, उसी दल से थे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में, उसके पहले ये स्थिति थी कि नगर निगम के कर्मचारियों को 2-2 साल वेतन नहीं मिलता था। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके 6 महीने बाद रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला राज्य मंत्री बने, उसके बाद ही बनते उन्होंने रीवा नगर निगम को पहली राशि 2 करोड़ रुपये दिलवाई थी, चुंगी क्षतिपूर्ति में जहाँ आंकड़ा 2-4-6-10 लाख का था, वहाँ करोड़ों रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति दिलाई गई। तो निगम के विकास को देखते हुए निगम के हित में बात न करके, क्योंकि ये कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, जैसे अभी सभी पार्षद लोग बोल रहे थे कि भूमि पूजन करते घूम रहे, मेहनत हम करते हैं, पुराने काम है ये करते हैं, तो ये ओछी लोकप्रियता पाने का काम कर रहे हैं। पार्षद भंग हो रही है, मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, तो क्या इससे इससे शर्म की कोई बात नहीं होगी कि खुद महापौर मेयर इन काउंसिल जो ये प्रस्ताव भेजते हैं वो परिषद छोड़ के चले गए। ये इतिहास में इससे बुरा दिन कभी नहीं आया होगा मध्य प्रदेश में। मुझे परिषद के शुरुआत में ही आपने चेक वहाँ पकड़ा दिया, विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, 5 मिनट के अंदर परिषद भंग हो गई।
तो ये कैसे चल पाएगा ऐसे नगर निगम? ये महापौर को अपने MIC के जो सदस्य है उनके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आरोप लगाने के पहले नियम, कुछ करने के पहले नियम कानून देख लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था अच्छा अध्यक्ष की आसंधि पे, इस तरह के आरोप को लेकर के अगर मैं अध्यक्ष की आसंधि में बैठूंगा तो मैं क्या निर्णय कर पाऊंगा? पहले मुझे बेदाग होना पड़ेगा। अब मैंने ये क्लियर किया है वहाँ पे कि आप बता दो मुझे वाहन की पात्रता है या नहीं। अगर पात्रता नहीं है, मैंने वाहन लिया है, जितने दिन मैंने वाहन रखा उसका ड्राइवर, उसका डीजल जो भी है, उनके खर्चे, उसके साथ अधिभार लगा करके मैंने आयुक्त नगर निगम को चेक दे दिया है, ब्लाइंड चेक दे दिया है कि इसको पूरा भर दे। किराया है, हमारे कक्ष को लेके सवाल उठाते हैं कि अध्यक्ष दो दो कक्ष लेके बैठे हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एयर कंडीशन की हवा खाने ऊपर के इस कमरे में नहीं आया हूँ। मुझसे जनता आती है मिलने, नेत्रहीन आते हैं, विकलांग रहते हैं, सिद्धलांग रहते हैं, वो ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। ये परिषद भवन है, नगर निगम नहीं है। परिषद भवन जब परिषद का है तो आयुक्त से मैंने बोला कि परिषद भवन में परिषद अध्यक्ष को नीचे बैठने की जगह दे, मुझे दो बच्चे कक्ष का शौक नहीं है। ये टकराव क्यों निर्मित हो रहा है? ये टकराव आपको महापौर से पूछना चाहिए कि इतने ज्वलंत मुद्दे, शहर के विकास के पांच पांच एजेंडे थे, महापौर अपनी MIC को लेकर क्यों भाग गए बैठक से? ये महापौर से आपको जवाब पूछना पड़ेगा। महापौर ने असक्षम बताया है आपको, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे दुख की बात क्या होगी कि जो महापौर चलती परिषद में अपने लाए हुए एजेंडों को छोड़ के भाग जाए और अध्यक्ष और दूसरे दल को अक्षम कहे, इससे शर्मनाक इस महापौर के लिए कोई स्थिति नहीं हो सकती। जब परिषद के मुखिया पर ही विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए तो इसको कैसे सुलझाएंगे? इसीलिए परिषद के मुखिया के नाते मैं स्पष्टीकरण चाहता था और एक मामले में भी आयुक्त ने स्पष्टीकरण दे भी दिया है वाहन के मामले में, परंतु उसके बावजूद भी उनको विश्वास नहीं होगा क्योंकि वो वॉकआउट करके भाग गए।